हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ बॉर्डर का। आप चाहे इसे बॉर्डर या स्टॉल या किसी भी प्रोजेक्ट पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप ऐसे स्टॉल बना सकते हैं या तो आप फ्रॉक पे बना सकते हैं ये डिज़ाइन। ये देखिए आगे से कुछ इस तरह है, बैक साइड से इस तरह है। देखिए तो ये मैंने बेबी पिंक कलर से बनाया हुआ है। आप कोई सा भी एक कलर लेके बना सकते हैं। तो इस बॉर्डर को अगर आप लोग फ्रेंड्स पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा अप्लाई कर सकते हैं पूरे स्वेटर पे, या तो आपने बस एक ही ये लाइन लगा के फिर आपने ऊपर से कोई और डिज़ाइन डाल देनी है। तो ये देखिए हमारी लेस की तरह होगी, और ये डिज़ाइन जैसे पूरा अगर बनेगा फ्रेंड्स तो जैसे लगता है क्रोसिया से बना है, लेकिन ये सलाई से बना हुआ है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 75 फंदे लिए हुए हैं। यहाँ पे 75 फंदे लिए हैं। और फंदे कैसे आपने लेने हैं फ्रेंड्स, फंदे हमने देखिए या तो आपने मोटी सलाई लेनी है, ये देखिए 6 नंबर की सबसे मोटी जो सलाई है 6 नंबर की है वो है मेरे पास, या तो आपने डबल सलाई पे, देखिए आपने डबल करना है सलाई को, डबल करके फिर आपने फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मोटी सलाई अवेलेबल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ही सिंगल सलाई लूँगी। अगर आपके पास 10 नंबर की सलाई है तो 10 नंबर को आपने डबल करना है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमने टोटल 75 फंदे डालने हैं। तो फंदे तो डालने आप लोग को मैंने पहले भी बताया है और फिर बता दे रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे फंदे ऐसे लेने हैं, थोड़ा रात की वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही। देखिए इसको ऐसे करना है, ये देखिए फंदे को हमने ये ढीला ढीला ही डालना है, तभी हमारी डिज़ाइन ये जिगजैग सी बनती हुई आएगी। देखिए आपके पास पतले सलाई है तो आपने दो सलाई को एक साथ लेके फंदा बनाना है। इस पर भी देखिए मोटी सलाई है, लेकिन यहाँ पे हमने फंदे देखिए एकदम लूज फंदे में डाल रही हूँ। ये देखिए कितना लूज है। तो ऐसे ही हमने 75 फंदे डाल लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं। तो ये 9-9 फंदे प्लस एक एक एक्स्ट्रा, यानी 10-10 फंदों की ये डिज़ाइन बन रही है। ये हमारी जो पंखुड़ी है यहाँ पर 9-9 फंदे की है, प्लस एक एक हम ये देखिए 9 यहाँ से शुरू हुआ है, फिर एक एक्स्ट्रा, फिर 9, फिर एक फंदा, फिर 9, ऐसे ही हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो डिज़ाइन हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ हमारी एक सलाई की ये नीटिंग होगी 6 फंदे से और 6 नंबर की सलाई से। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। ये तो मैंने फंदे डालने के लिए यहाँ पे लिया था। अब देखिए आपने क्या करना है, एक फंदा हमने यहाँ से देखिए उल्टा बुनेंगे। एक फंदे हमने यहाँ से उल्टा बुना, उसके बाद देखिए एक फंदे पे हम 3 बार रैप करेंगे, 2-3 देखिए, फिर यहाँ से 1-2-3, फिर 1-2-3, यानी हम एक फंदा सादा बुनेंगे उल्टा, उसके बाद 9 फंदे पे हम 3-3 बार रैप करेंगे। रैप करके देखिए 3-3 बार हम लपेटेंगे 9 फंदे पे। हमने टोटल 9 फंदे पे हमने 3 टाइम रैप करना है, यानी 3 टाइम हम लपेटेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1-2-3-4-5-6 तीन फंदा, और हमने 1-2-3 बार रैप किया। ये देखिए 9 फंदे पे हमने कर लिया। फिर हम एक उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर 9 फंदे पे हम 3-3 बार लपेटेंगे, फिर एक उल्टा, फिर 3-3 बार, ऐसे हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिए, या तो आप इस बॉर्डर को आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए जिधर आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगे आप उधर यूज कीजिए। ये देखिए फ्रंट साइड कुछ ऐसा आएगा और बैक साइड ऐसा आएगा, तो आप इसको चाहे इधर से यूज करें चाहे इधर से। तो मुझे इस साइड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इस बार मैं इस साइड से यूज करूँगी। तो देखिए पीछे की साइड से ये हमारी डिज़ाइन बनी थी। अब हम आगे की साइड आ गए हैं, राइट साइड। तो हमने एक फंदे को पहले, ये देखिए एक फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। एक फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बुना,
एक फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बुना, उसके बाद ऊन को आगे करेंगे और इन 9 फंदों को हमने खोलना है। दो जो हमने एक फंदे पे तीन तीन बार रैप किया था उनको अब हमने खोल लेना। देखिए यहाँ पे हमने खोलने के बाद इन सारे फंदे को इस सिलाई पे हम ले लेंगे, एक भी फंदा हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक ऐसे बुना, एक बार उधर से, फिर एक बार इस साइड से ऐसे, देखिए फिर हम ऐसे एक बार इधर से डालेंगे हम सिलाई को, फिर एक बार इधर से, ऐसे हमने 3-4 बार करना है ताकि हमारे यहाँ पे टोटल 9 फंदे आ जाए। देखिए फिर ये जो हमारा फंदा है इसको हमने देखिए यहाँ पे उल्टा ही बुनना है। देखिए यहाँ पे हमने एक फंदे को दोनों साइड से जो एक एक फंदा है उल्टा ही बुना जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए उल्टा बुन लिया एक फंदा और अब इन 9 फंदे को हम खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदा देखिए हमने यहाँ पे खोला। अब इन 9 फंदे को हम इस सिलाई पे ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार हमने ऐसे बुना फंदे को, इसको ज़्यादा बड़ा निकालना है हमने बार बार ताकि हमारी डिज़ाइन ये अच्छी बने। फिर एक बार हम इस साइड से फंदे को डालेंगे, 2 बार डाला हमने फंदे को, फिर इधर से डालेंगे 3, फिर 4 बार हमने डाला, एक बार इधर से 5। अब देखिए हमारे यहाँ पे 9 फंदे बन गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी हम 5 टाइम यहाँ पे इन 9 फंदों में हमने बुनना है। और कैसे बुनना है ये मैंने आप लोग को बता दिया है। तो चलिए ऐसे ही हम कंप्लीट करते हैं इसको। ये देखिए हमने पूरी रो ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन है। आगे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको बैक साइड रखिए या इसको बैक साइड रखिए या इसको अपने सीधी साइड तो इसकी यही है, लेकिन मैंने इस बार इसको बैक साइड इसको रखना है। तो इसके ऊपर मैं दूसरा कलर लगाऊंगी फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी मैं आप लोग को दिखाऊं डिज़ाइंस, इसको मैं उलन ब्लाउज के लिए बॉर्डर बना रही हूँ। बहुत ही प्यारी बॉर्डर है, देखिए एकदम फ्रिल जैसी है, बहुत इजी भी है। तो कितनी खूबसूरत ये दोनों बॉर्डर लग रही हैं। देखिए ये बेबी पिंक कलर का वर्धमान का ऊल मैंने लिया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है डिज़ाइन। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।